झांसी के टहरौली में बुंदेलखंड के विकास से जुड़े 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों को आज वार संघ टहरौली का खुला समर्थन मिला, जिससे अनशनकारियों का भी हौसला बढ़ गया। इससे पहले भी बुंदेलखंड किसान यूनियन भी इस आंदोलन में साथ खड़े हैं। आमरण अनशन में मुख्य रूप से बाबू सिंह यादव, सुरेंद्र प्रजापति, अंकित गौतम, सोनू गुप्ता, जाहर सिंह, सोनू चौधरी, अमित दुबे आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज प्रशासनिक अधिकारियों में उप जिलाधिकारी टहरौली व क्षेत्राधिकारी टहरौली के साथ तहसीलदार टहरौली और पुलिस भी अनशनकारियों से मिलने पहुंचे। बिना लिखित आश्वासन के सभी ने आंदोलन खत्म करने की बात कही। अनशनकारियों ने कहा कि टहरौली का विकास संभव तब तक नहीं है जब तक कि टहरौली को जिला नहीं बनाया जाता है, इसलिए शासन को इस ओर जल्द ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही सभी ने एक ही स्वर में कहा कि लोगों को क्षेत्र का विकास चाहिए तो सबको मिलकर बुंदेलखंड राज्य के साथ छोटे जिलों के लिए शासन तक अपनी बात पहुंचानी होगी। इसके अलावा अनशनकारियों ने नगर में अच्छे स्कूल, महाविद्यालय व मेडिकल से जुड़ी कई बातें 9 सूत्रीय मांगों में रखी। अनशन में आधा सैकड़ा से अधिक लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। टहरौली से बीके तिवारी के साथ अर्पित शर्मा की रिपोर्ट।